ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबर पंचायत। चूरू के सरदार शहर कस्बे की बीकानेर रोड पर बनाई गई सीसी सड़क जगह जगह से टूट जाने के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों में रोष है। कोटा के इटावा क्षेत्र के आमलदा गांव के एक भी घर में शौचालय नहीं है, ग्रामीणों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं शौचालय बनाने में पंचायत प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, शौचालय निर्माण के लिए ग्रामीणों को जारी राशि नहीं की है। जालौर की सायला पंचायत समिति में एलडीसी ग्राम सेवकों के पद रिक्त होने से एक ग्राम सेवक के पास तीन तीन पंचायतों के चार्ज हैं। वहीं पद रिक्त होने से विकास कार्य अटके पड़े हैं, 40 ग्राम पंचायतों में 17 ग्राम सेवक हैं, जिसको लेकर लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। भरतपुर की सेवर पंचायत समिति में अघोषित बिजली कटौती ग्रामीणों की परेशानी बनी हुई है, गर्मी के मौसम में बगैर बिजली के ग्रामीण परेशान हैं और बिजली नहीं होने से पानी की समस्या भी रहती है। भरतपुर के नगर कस्बे में नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है, मुड़ौती गांव के दो व्यक्तियों ने 3 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। भरतपुर के रूपवास कस्बे में जलभराव ने रोकी विद्यार्थियों की राह, गांव पांडरी स्थित सरकारी स्कूल के रास्ते में घुटने तक के पानी में से विद्यार्थियों को निकलना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों और स्कूली छात्रों की शिकायतों के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। भरतपुर के पहाड़ी कस्बे में गंदगी और टूटी सड़कों से कस्बेवासी परेशान नजर आ रहे हैं, वर्षा का पानी सड़कों के गड्ढों में भर जाने से राहगीर परेशान होते हैं। भरतपुर के कामा कस्बे के ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों का प्रभारी सचिव ने जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर वेंकटेश्वर के साथ जायजा लिया। अधिकारियों ने गांव में गौरव पथ के निर्माण और जलभराव जैसी समस्याओं पर कर्मचारियों को लताड़ लगाई। भरतपुर के बयाना कस्बे के उच्चैन थाना इलाके के बहरार खुपुरा गांव में एक युवती ने ब्लैकमेल और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। युवती ने गांव के ही दो युवकों पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और आरोपी युवक ब्लैकमेल कर 8 सालों से युवती का शोषण कर रहे थे। भरतपुर की वैर पंचायत समिति में बस ने रात को यात्रियों को बस से जंगल में उतारा। आपको बता दें कि दिल्ली रोडवेज की बस में अचानक खराबी आने के कारण कंडक्टर ने यात्रियों को रास्ते में उतार दिया। उदयपुर जिले की झाड़ोल पंचायत समिति की झाड़ोल तहसील मुख्यालय पर शिक्षक संघ द्वारा 2012 के शिक्षकों को नियमित नहीं किए जाने व विद्यालय समय भरने एवं स्टाफीकरण के नाम पर शिक्षकों के पद समाप्त करने के विरोध में धरना दिया गया, साथ ही उपकरण अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। उदयपुर जिले की खैरवाड़ा पंचायत समिति की बावलवाड़ा थाना इलाके में नदी में डूबने से युवती की मौत हो गई, वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पाली जिले की सुमेरपुर पंचायत समिति के खतगढ़ रोड पर 4,71,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले टाउन हॉल का शिलान्यास शनिवार को स्वायत्त शासन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने किया। इससे पूर्व मंत्री का शहर में प्रवेश पर देवड़ा कृषि फार्म हाउस पर विधायक मदन राठौड़ के नेतृत्व में स्वागत किया गया। बूंदी जिले की नैनवा पंचायत समिति में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, नैनवा उपखंड के करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में बिजली कटौती की जा रही है। बिजली के अभाव में कूलर पंखे भी शोपीस बने हुए हैं, बिजली कटौती के चलते ग्रामीणों को पेयजल के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसके चलते दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है और विद्युत विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे।
जोधपुर जिले की शेरगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खिड़जा खास निवासी अचला राम पवार का आरएएस में चयन होकर गांव में आने पर राजस्थान मेघवाल परिषद के कार्यकर्ता व अन्य लोगों ने स्वागत किया। पवार ने अनुसूचित जाति में ऑल राजस्थान में प्रथम स्थान एवं सामान्य वर्ग की मेरिट में 59वां स्थान हासिल किया है। वे वर्तमान में पाली में जिला कोषाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। बूंदी जिले की तालेड़ा की ग्राम पंचायतों में खोले गए स्वास्थ्य केंद्रों से ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा, वहीं भवनों के अभाव में अधिकतर केंद्र बंद पड़े हैं। इन्हें देख ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने आनन फानन में केंद्र खोल तो दिए लेकिन भवन का इंतजाम करने का ध्यान नहीं रहा। श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मानकसर में सड़कों का बुरा हाल है, गलियों में कीचड़ पसरा रहता है जिससे ग्रामीणों को बेहद परेशानी होती है और ग्रामीणों ने बार बार अवगत करवाने पर भी सरपंच ध्यान नहीं दे रहा। श्रीगंगानगर जिले की घरसाना पंचायत समिति मुख्यालय पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं होने से बिना फिल्टर के दूषित पेयजल सप्लाई होता है। सीकर जिले की नीम का थाना पंचायत समिति क्षेत्र की प्रतिभाओं ने आरएएस परीक्षा में अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए सफलता का परचम लहराया है। क्षेत्र की प्रतिभाओं के चयनित होने पर लोगों में खुशी की लहर है, वहीं शेखावाटी में प्रतिभाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। नागौर जिले की मकराना पंचायत समिति के बाईपास तिराहा से गौड़ाबाद से रेलवे स्टेशन तक मार्ग के हालात बदहाल होने से सड़क मार्ग निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है जिससे लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में मानसून सक्रिय होने से रुक रुक कर बारिश हो रही है, वहीं किसानों में खुशी की लहर के चलते फसलों को जीवन दान मिल गया है। बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना पंचायत समिति के नेशनल हाईवे पर कार और बाइक में भिड़ंत होने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बाड़मेर जिले की शिव पंचायत समिति के थाना क्षेत्र के भियाड़ गांव में गिरफ्तारी के डर से चोरी का आरोपी तालाब में कूद गया, जिसके चलते 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला। बाड़मेर जिले के चौटन पंचायत समिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा सदस्यता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया। बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनपुरा में 28 छात्राओं को सरपंच चमुदेवी ने निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया। बाड़मेर जिले की बायतू पंचायत समिति थाना क्षेत्र के रासाराम प्याऊ के पास स्विफ्ट कार पलटने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके चलते घायलों को बालोतरा रेफर किया गया। नागौर जिले के लाडनू पंचायत समिति में निम्बी चौधा ग्राम में स्थित भैरव चौक पर पिछले लंबे समय से अतिक्रमणधारियों ने डेरा डाल रखा है, जिसके चलते आयुर्वेदिक अस्पताल का मार्ग बंद हो चुका है। अतिक्रमणधारियों के खिलाफ पंचायत प्रशासन के पास दर्जनों शिकायतें आ चुकी हैं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।